नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आखिरकार कांग्रेस ने बस्तर से भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस के लिए यह जीत कई मायनों में बहुत बड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस दंतेवाड़ा से हार गई थी। वहीं लोकसभा में मिली 9 सीट की करारी हार से कांग्रेस मायूस हो चली थी, जबकि भाजपा 2018 की जीत नहीं दोहरा पाई। भाजपा ने अपनी हार मान ली है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने यह भी आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी और नक्सलियों के सहयोग से जीती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली कांग्रेस खेमे में फिर से खुशी की लहर है। प्रदेश में करीब 9 महीने की भूपेश बघेल सरकार के कार्यों को दंतेवाड़ा की जनता ने सराहा है, और नतीजन ये हुआ कि दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति कर्मा को 11,000 से अधिक वोटों से जीत मिली। ये नजारा दंतेवाड़ा में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद का है। ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस जगह जगह जश्न मना रही है। कांग्रेस ने चुनाव जीतकर भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत के बाद कांग्रेस के तमाम नेता दीप्ति कर्मा को जीत की बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत का श्रेय जनता को दिया है। सीएम ने वहां के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने भारी मतों से दीप्ति कर्मा को जीत दिलाई है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये पहली चुनावी जीत है, लिहाजा वो बेहद खुश हैं और उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। वहीं दीप्ति कर्मा भी जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे रही हैं। दंतेवाड़ा चुनाव के जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आया। भारतीय जनता पार्टी वो इमोशनल कार्ड खेला था, लेकिन दंतेवाड़ा के मतदाताओं ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किए हैं उस पर उन्होंने सील मोहर लगाया है, तो दंतेवाड़ा के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। किसको देते हैं आप जीत का श्रेय, किसको देते हैं? वहाँ की जनता को और कार्यकर्ताओं को। मेरे जो ड्यूटी था वहाँ पे लगभग 400 वोट से लीड थी, उसमें भी चिंता लगा। एक पोलिंग मेरी जिम्मेदारी थी, उसमें भी हम लोग लीड किए, तो सबकी जिम्मेदारी, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हमने चुनाव लड़ा था। और आज जो दंतेवाड़ा का रिजल्ट आ रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से बदौलत है। वहीं भाजपा ने तो अपनी करारी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की जीत को सरकारी मशीनरी की जीत करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि ओजस्वी मंडावी ने पति भीमा मंडावी की मौत के बाद मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हमारी सीट कांग्रेस ने ली, अब उनकी सीट हम लेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कांग्रेस चुनाव संचालक के रूप में काम किया। पूरे चुनाव में हमें रैली और प्रचार करने से रोका गया, हमें जहां जाने नहीं दिया गया वहां कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर नक्सली सहयोग का बड़ा आरोप लगाया है। कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस नक्सलियों से अवैध गठबंधन कर उपचुनाव जीती है, भीतर वालों का सहयोग मिला है। वो लोग जो वोट नहीं डालते हैं उन्होंने कांग्रेस को सहयोग किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भी सरकार पर हमला बोला है। और प्रशासन का पूरा तथ्य उनके तंत्र उनके साथ जुड़ा हुआ हो, सभाओं में ना मुझे जाने दिया गया, बहुत सारे स्थानों पर रोका गया, हमारे नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया और प्रमुख लोगों को रोका गया। कांग्रेस के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, वो सभी जगह जा सकते थे। तो एक प्रकार से पूरे तंत्र ने इसका दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीत तो जीत होता है, जीत के लिए मैं बधाई देता हूँ, मगर ऐसी परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं थी जो इस बार देखने को मिला। वहाँ पर नक्सलवाद जीता, जनता कहीं ना कहीं दबाव में थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 2 दिन वहाँ बैठकर चुनाव कराए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को वहाँ पर सभा करने की अनुमति नहीं मिली। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, दबाया गया, वो अंदर गांव में जनता तक अपनी बातों को लेकर नहीं पहुँच पाए, और मैं कह सकती हूँ कि नक्सलवाद जीता। दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद अब बारी चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव की है। विधायक चित्रकूट में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन विधायक दीपक बैज के सांसद बनने के बाद अब इस सीट पर 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। कांग्रेस जहां इस सीट पर अपनी जीत बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं भाजपा की कोशिश है कि चित्रकूट जीतकर वो दंतेवाड़ा हार की कमी को पूरा कर ले।
दंतेवाड़ा से पंकज सिंह, रायपुर से सहयोगी रूपेश गुप्ता, आशीष तिवारी के साथ वैभव शिव पांडे, सुराट एक्सप्रेस रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं किरणमयी नायक जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं, श्रीजन सुंदरानी जी भाजपा के पूर्व विधायक और प्रवक्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा जी को वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, जिस तरीके से देखा जाए हार तो स्वीकार कर ही ली है पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन आप इस हार का कारण क्या क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम चुनाव में पराजित हुए, लेकिन पराजित कांग्रेस पार्टी से नहीं हुए, सरकारी तंत्र से पराजित हुए। धमकियों का दौर चला, हमारे नेताओं को प्रचार करने से रोका गया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने परमिशन मांगी, परमिशन नहीं दी गई, नेता प्रतिपक्ष को परमिशन नहीं दी गई, और यहाँ तक कि 125 संवेदनशील बूथ थे, अति संवेदनशील बूथ भी थे उसने, वहाँ पे जिस प्रकार से पोलिंग हुई, बेरोक टोक लोगों ने मतदान किया, जो कभी मतदान करने जिन बूथों पे नहीं जाते थे वहाँ भी गए, और कहीं ना कहीं ये साठगांठ नक्सल वास्ते भी रही, और इसीलिए ये परिणाम आया। जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन सरकारी तंत्र के आगे हम जनमानस को नहीं आगे ला पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की इस चुनाव में, लगातार मेहनत की है। निश्चित रूप से हम इस सीट पे पराजित हुए, हम बधाई देते हैं देव की और कर्मा को। चलिए सुंदरानी जी, इस बार आपने ये नहीं कहा कि जैसे कांग्रेस हमेशा कहती है चुनाव हारने की जो मशीन है उसके साथ छेड़छाड़ हुई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, आपने थोड़ा उससे हटके दिया, और जो कि पार्टी के सभी नेता एक ही स्टेटमेंट को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए सुंदरानी जी कि अगर एक, अगर मान लीजिए एक बूथ अगर कैप्चर कर लिया उन लोगों ने, दो बूथ कैप्चर कर लिए, तीन कर लिए, चार कर लिए, तो ये तो रिजल्ट इतना प्रभावशाली थोड़ी ना होता। ये तो वही वाली बात होगी कि हाँ चलो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब साहब, इतना अंतर नहीं आता। ये कह के ना एक तरीके से आप लोग जनता का जो मत है उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, ये बोल के। जनता सर मूर्ख नहीं है। नहीं, हम जनता के मत पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे। सर बिल्कुल कर रहे हैं आप, ये सरकारी मशीनरी सारे जो बूथ केंद्रों पे ऐसे करके बैठी थी क्या कि चलो सारे बूथ के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं? अगर मान लीजिए प्रचार करने का मौका नहीं मिला आपको, किन किन जगह पर नहीं मिला सर, ये सवाल भी खड़ा होता है। मान लीजिए रमन सिंह जी उन क्षेत्रों में जाना चाहते थे जहाँ भूपेश बघेल जी की सभाएं हुई, वहां भी रोका गया हमको। और आपको बताएं, देवकी कर्मा जी की बेटी ने जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया में वायरल हुए ऑडियो, किस प्रकार वो धमकी देती रही कि अगर आप कांग्रेस का काम नहीं करेंगे, देवकी कर्मा जी का काम नहीं करेंगे, तो आपको नक्सली धाराओं में केस बना दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकियों का काम भी वहां पे किया गया। निश्चित रूप से सरकारी तंत्र पूरी तरह से इस चुनाव में लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कभी पराजित नहीं हुई, सरकारी तंत्र के सामने हम लोग को नतमस्तक होना पड़ा। ये तो सिर्फ जुमले कहे जा सकते हैं सुंदरा जी, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। किरणमयी जी, जिस तरीके से देखा जाए इस बार आपकी तरफ से भी ये कहीं नहीं सुनने को आए कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई, क्योंकि चुनाव जीत गए, क्योंकि कांग्रेस के जुबान पर जब भी चुनाव हारो सिर्फ एक ही बात रहती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है वो तो पार्टी का हमेशा से पहले भी आपत्ति रही है, और अभी भी लोकसभा चुनाव में भी हमने आपत्ति किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं, पर सवाल यह है कि ईवीएम के बाद भी और सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद इसी रायपुर में 2018 नवंबर में सबने परिणाम देखा है कि 68 की 68 सीट कांग्रेस के पक्ष में आई, तो तब इनको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं दिखा, आज इनको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग दिख रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी कि रमन सिंह जी का जो बयान है, रेणुका सिंह जी का जो बयान है, ये पूरी तरीके से झूठ की बुनियाद पर है, क्योंकि ये लोगों से आधा जब सच कहा जाता है तो वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इनको जो परमिशन का क्राइटेरिया था उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा था आप हवाई मार्ग से जाएं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा सकती है, पर वो लोग अड़े हुए थे कि हमें रोड मार्ग से जाने की अनुमति दिया जाए। जिस तरीके का नक्सलवादी एरिया रहा है
जहां से लोगों की जान माल को खतरा है और उसके कारण और पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो सुरक्षा है जेड प्लस की उसको देखते हुए यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि साहब आप यदि हवाई मार्ग से जाएंगे तो आपको सुरक्षा दी जा सकती है, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इन्होंने रोड मार्ग की अनुमति दी, मेटापाल और नगरनार दोनों जगह की अनुमति हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दी गई थी, वो हवाई मार्ग से गए थे, वही हवाई मार्ग से आप रमन सिंह जी भी जा सकते थे, पर वो अड़े हुए थे कि हमें रोड मार्ग से जाना है। क्या कारण है? 15 साल आप सरकार में थे, आप एक क्या हेलीकॉप्टर अफोर्ड करने लायक नहीं थे? तो ये कुल मिलाकर के हकीकत ये है कि जिन 125 बूथों का हवाला दे रहे, 15 साल की सरकार आपकी थी, क्यों इतने सारे अति संवेदनशील बूथ हैं? और पहले आप जब 12 में से 11 सीट आप लाते थे तब क्या वो आप प्रशासनिक तंत्र के सहारे से लाते थे? तब उसकी बात वो नहीं कहेंगे। आज हार गए तो सही बात है, खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे। लेकिन किरण में जी एक बात भी सत्य है कि जो भी भारतीय, मैं एक लाइन बस और कह दूं, एक लाइन बस कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहां पर प्रभारी, ये लोग केवल और केवल शहरी इलाके दंतेवाड़ा, गीदम, बचेली और किरंदुल में बैठे रहे, अंदर जाने की जहमत नहीं उठाई। 15 साल में इन्होंने जिस तरीके से ठेकेदारों का विकास किया, जनता के विकास के मामले में ये आंख पे पट्टी बांधे रहे, इसके कारण कि इनकी हिम्मत नहीं थी और ये डरे हुए थे खुद भी नक्सल एरिया से, और ये केवल वहां पे गाल बजाने का काम कर रहे थे और केवल शो ऑफ और ड्रामेबाजी। हकीकत में तो अपने पार्टी प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के साथ इन्होंने खुद धोखाधड़ी किया है। ठीक है, बिल्कुल, जिस तरह सुंदरानी जी एक आपने बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही, धर्मलाल कौशिक जी ने भी ये बात कही कि नक्सलियों से साठ गांठ करके ये चुनाव जीता गया, तो चलिए ठीक है ये मान लेते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने जीत दर्ज की थी, तो ये कहा जाए कि नक्सलियों से सेटिंग थी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने पूरे प्रदेश में 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है, कोई एक आध विधानसभा सीट नहीं थी, 9 लोकसभा सीटें हमने जीती है। आपने और मोदी जी का काम देश में विकास और बिल्कुल दम पे जीती थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करती चुनाव में, एक आरोप कभी कांग्रेस भी नहीं लगा पाई। ये तो एक कहने वाली बात है बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए, किरणमयी जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने परमिशन नहीं दी, लेकिन एक बात ये सत्य से नकारा नहीं जा सकता कि जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो जरूर, ज्यादा नहीं पर थोड़ा अवरोधक पैदा जरूर करती है चुनाव प्रचार के समय, चाहे वो कोई भी राज्य हो, थोड़ी ये चीजें देखने को मिलती है और ये कहीं ना कहीं होता भी है। लेकिन इसकी वजह से पूरा चुनाव हार जाना, ये कहां तक सही है? पक्ष की भाषा और विपक्ष की भाषा लगभग एक जैसी होती है, जो भी सत्ता में आ जाएगा उसकी भाषा वही होगी जो सत्ता पक्ष की भाषा होनी चाहिए, और वो जो भी विपक्ष में आ जाए उसकी विपक्ष की भाषा वही होगी जो उसको होनी चाहिए। जब वो इधर रह करके विपक्ष में रह करके जो बातें कही जाती है वो सत्ता पक्ष में रह के नहीं की जा सकती, वही बातें सामने आ रही है। आज जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई साठ गांठ और बहुत सारी बातें, तो ऐसा नहीं होता है, ये तो हार जीत के बाद के जुमले हैं एक प्रकार से, और ये जुमले बिल्कुल खाते में जुड़े हुए हैं। कल कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तो वही भाषा, और जब कांग्रेस आज सत्ता में आ गई थी सत्ता की जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा थी वही भाषा, ये सत्ता की भाषा और विपक्ष की भाषा के अनुरूप है। आप मुझे ये बताइए आज ईवीएम को क्या बुराई है? आज ईवीएम सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब विपक्ष में कांग्रेस थी तो ईवीएम अच्छा नहीं लगता था। आज ये ईवीएम के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं, तो कहने का मतलब बड़ा साफ है, हार बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है और जीत का जश्न मनाना आसान और बहुत सरल काम मैं मानता हूँ, लेकिन जीतना बहुत कठिन काम है, ये बात सही है। अब सवाल है कि सत्ता में आज कांग्रेस है तो कांग्रेस पर आरोप लग रहे सत्ता का दुरुपयोग किया, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी तो कांग्रेस आरोप लगाती थी कि सत्ता का दुरुपयोग किया, वहां जो है स्थितियां दूसरी बनाई गई, तो ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आप जनता की तरफ जाइए, जनता की तरफ से जब आप सोचिए तो निश्चित रूप से जनता ने जो जीत आज कांग्रेस को दी है 10,000 11,000 मतों की,
ये वहाँ के लिए महत्वपूर्ण, आप इस पर बात कीजिए कि 11,000 मतों से आज तक किसी भी कैंडिडेट की जीत नहीं हुई, पहली बार जो है 11,000 मतों से विजय हुई है। तो ये एक तरफा वोटिंग जो हुई है वो निश्चित रूप से जो है ये दर्शा रही है कि आज कहीं ना कहीं, मैं इसमें किसी प्रकार की किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का काम या कांग्रेस की बातें या कांग्रेस के लोगों की जो बात कही जा रही है की तरफ से, वो वहाँ के लोगों को पसंद आई। और जो है वो शहादत वाला मसला जो है, तो शहादत, बड़ी शहादत जो है वो महेंद्र कर्मा की हुई थी, और ये शहादत न होकर के एक प्रकार से हुई तो शहादत ही है, नक्सलियों के हाथों से मारा जाना शहादत ही कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हुई है कि आपको जो सुरक्षा दी गई आपने वो छोड़ दी, और छोड़ करके आप अपनी मर्जी से कहीं गए, तो उसको लोगों ने दूसरे रूप में लिया, उसमें मतों में आधा आधा हो गया, लोगों की सोच भाई क्यों गए वहां पर, कुछ लोगों ने कहा कि भाई गलत हो गया, तो समर्थन भी मिला, विपक्ष भी हुआ उनके खिलाफ, लेकिन कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल की सरकार का जो काम दिख रहा है लोगों को, ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी वाला मसला है, ये जो एक स्थिति है, ये स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के मन में टच कर रही है, और खास करके ग्रामीण लोगों के मन में, जिस तरीके से वहाँ पर जो स्थितियाँ हुई है जमीनें लौटाने की, उसका असर भी बस्तर के अंदर में देखने का काम है, और राशन के मामले में जो इन्होंने किया है, जो भी निर्णय इनके जो हुए हैं, वो निर्णय जो है वहाँ बस्तर में भी काफी प्रभावी है। तो ये अब सरकारी तंत्र में छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो अलग मुद्दा है, तो वही कारण है कि अंतिम चरण में 5 साल जो थे रमन सिंह सरकार के, उसमें वो सारे तंत्र फेल हो गए थे और बड़ी मनमानियां शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उनको सबक दिया लोगों ने। और जहां तक बस्तर का प्रश्न है, बस्तर ने लगभग सभी सीटें जो है कांग्रेस को दी थी, और एक सीट ये जो है ये छूट गई थी, लेकिन बाद में लोगों को जरूर लगा होगा कि कहीं न कहीं हमने ये गलती कर दी, कांग्रेस की सरकार को ही हमको सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए थी, और वो भूल उन्होंने अब स्वीकार कर ली। अब एक अंतिम सीट बची है, वो आपके चित्रकूट की बची है, वहाँ भी फैसला हो जाएगा, अगर वहाँ पर कोई बात होगी जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वहाँ पर साबित करके दिखाएंगे। बिल्कुल सुंदरानी जी, लेकिन जिस तरीके से हार के बाद अक्सर पार्टी के प्रवक्ता किनारा करते हैं, लेकिन आप फिर भी इस डिबेट में शरीक हुए, वाकई ये मानना पड़ेगा, और उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि कहते हैं कि कोई भी हादसा या कोई भी जहाज डूबने से पहले उसके कई वजह होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती उसके डूबने की, कई वजह मिलकर वो जहाज डूबता है। तो यहाँ पर जो आपका जहाज डूबा है, तो इसमें क्या क्या कमियां मानते हैं, क्या कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाए, या फिर जो जनता कांग्रेस जो जुड़ रही है जनता से जमीनी स्तर पर वो ज्यादा काम आ गई, क्या कमियां रह गई जहां पर इस तरह की हार का सामना करना पड़ा? सुमरन जी देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखी, हमारे नेतृत्व ने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा ना कि 2-3 बातें जरूर चुनाव में होती है, सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिनिधि को चुनना, जनता को लगता है कि विकास होगा तो सरकारी दल के माध्यम से होगा, सरकारी मिशनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, जिसके लिए कांग्रेस माहिर है, कांग्रेस सत्ता का कैसे दुरुपयोग सदुपयोग किया जाए ये कांग्रेस को आता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के भी कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाई। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि एक सीट हम हारे हैं, हम इस हार से भी सबक लेंगे और हम चित्रकूट में अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और हमने जो सरकारी मिशनरी को ध्यान नहीं दिया हम चित्रकूट में ध्यान देंगे, और चित्रकूट हम छीनेंगे, दंतेवाड़ा का हिसाब किताब चित्रकूट में बराबर करेंगे। चले, कॉन्फिडेंस की दाग देनी पड़ेगी। किरण भाई जी, जिस तरीके से देखें कि एक जो सीट थी वो तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के कब्जे में थी, वो आपने छीन ली बीजेपी से, अब अपनी ही सीट बचाने की यहाँ नौबत आ गई है, तो वहां पर किस तरीके की तैयारी है, क्या इसी की तरह जैसे यहाँ पर जिस तरीके से जिस बढ़त के साथ जीत दर्ज की, वहां पर भी इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेगा, या जो भाजपा कह रही है कि ये सीट हम उन्होंने मेरी छीन है मैंने आपकी छीन ले गए, तो ये बात भी भाजपा के साथ हो सकती है वहां पर? देखिए, अभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, इसके पहले एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि जो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, एक भी शिकायत ऐसी तथ्यात्मक नहीं थी, वरन कांग्रेस की शिकायत, चूंकि मैं खुद वहां पर थी और मैंने शिकायतें करी हैं, जिसमें एक डीएफओ को वहां से रिलीव किया गया हमारे शिकायत पर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था, 17 कर्मचारी अधिकारी जो पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी के नेतृत्व में वहां काम कर रहे थे, उन सबको लीगल नोटिस दी गई
जिला निर्वाचन अधिकारी से, आप एक भी नाम बता देते कि किसी ने मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हो। इनके पास कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं, केवल और केवल अनावश्यक ब्लेमिंग का गेम करके ये लोग वहां पर बैठे रहे ताकि इनको फील्ड में ना जाना पड़े। अब रहा सवाल, आपने जो दूसरा सवाल किया है कि हमने जो सीट जीती है वो हारी हुई सीट को हमने जीता है, चित्रकूट हमारी जीती हुई सीट है, हमने अपने जीते हुए विधायक को सांसद बना करके भेजा है दिल्ली में, तो चित्रकूट तो हमारी क्लियर कट विन सीट है, और इस विन सीट से जो जीता हुआ विधायक है आज दिल्ली में सांसद के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है बस्तर का, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए तो क्लियर कट विन सीट है। जो पुराना मार्जिन है हम उससे लगभग डेढ़ दुगने मार्जिन से इस सीट को फिर से जीतेंगे, और बस्तर का जो 12 का 12 है वो कोटा तो हमने पूरा कर लिया, ये तो हमारी अपनी सीट है जिसको हमको जीतना ही तय है। ये कहने की बात है कि आपने हमारे लिए, हम आपका ले लेंगे, पहली चीज कि आपकी बात में कितनी गंभीरता है, कितनी जिम्मेदारी है, ये भी देखना चाहिए, जो कि कहीं भी नहीं दिख रही पूर्व मुख्यमंत्री जी के बात में। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक बाइट देने के लिए उन्होंने एक वो तुक्का जोड़ दिया कि अब हम जीत लेंगे। आप तो अभी तक के जीत का दावा कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस हार रही है, हारने के डर से ये सारा काम हो रहा है वगैरह वगैरह। उनके यदि आप चुनाव के दौरान के बयान को देखें तो वो तो इतने अति उत्साह और घमंड में थे कि उनको लग रहा था कि सब उनकी ही कॉपी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि हाँ भूपेश बघेल जी को अनुमति दी गई, हमें नहीं दी गई, तो कॉपी कौन किसकी कर रहा था? पर हारने के बाद में ठीक है, हमारी संवेदना पूरी उनके साथ है कि वो हार गए और पहली हार का सदमा उनको बड़ा जोरदार लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15 साल तक के इसी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जिस तरीके से वो चुनाव पे सत्ता में रहते आए 15 साल तक, वो वही चीज उनके जबान से भी निकल रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के तो इतने उदाहरण हैं कि सब पोल लोग खोलते जा रहे हैं और सारे मामलों में वो घिरते भी जा रहे हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिर वही अपनी ढपली अपना राग बजाएंगे और चित्रकूट तो कांग्रेस ही जीतेगी। बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए कि जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी, वो मशीनरी नहीं बल्कि मंदिर का घंटा हो गया है। कोई भी आकर उसको बजा जाता है, ये कहा जाता है कि नहीं मशीनरी ये हमारे लिए काम कर रही है, इसके लिए काम कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। देखिए मशीनरी जो होती है वो निश्चित रूप से सरकार के अंतर्गत होती है, तो ये आरोप लगना स्वाभाविक है। लेकिन मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से खुलकर जो है कोई मशीनरी का व्यक्ति जो है वो अपनी विचारधारा के साथ जुड़ जाए और वो पूरी की तरह पूरी खुल के मदद करे। कुछ लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसकी विचारधारा रहती है तो अंदर ही अंदर करता है, चुप के करता है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वैसा नहीं होता। वो तो उस वक्त कांग्रेस भी लगाती थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप, ये आरोप है। ये सरकार में जो रहती है उसका एक प्रभाव अलग होता है, ये मैं स्वाभाविक रूप से मानता हूँ कि सरकार में जो लोग भी बैठे हैं उनकी बातों का असर होता है, और निश्चित रूप से जो है सरकार की मदद करने के लिए कुछ लोग स्वमेव ही तैयार रहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन किसी पार्टी के लिए कोई काम कर रहा होगा अधिकारी, ऐसा मैं नहीं मानता। कोई एकाध कोई ऐसी स्थितियां बन जाती होगी, रमन सिंह सरकार के ऊपर भी आरोप लगते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नरवा गरवा गुरुआ बारी ये चार जो इन्होंने जो चिन्हारी के प्रश्न रखे हैं भूपेश बघेल की योजना में, वो जो है वो ग्रामीण जीवन का मर्म है। आप उसको बड़े ध्यान से जब देखेंगे या उसका अर्थ समझ के उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ग्रामीण जीवन का पूरा अर्थव्यवस्था इसी के अंदर टिकी हुई है, और किसी जमाने में ये चारों के अंदर ही पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था चल रही थी और ग्रामीण लोग बड़े खुश थे, आराम से थे, अपना जीवन जितने भी स्तर में जी रहे थे अच्छे से जी रहे थे, किसी की जरूरत उनको नहीं पड़ती थी। तो ये जो है ये एक किसान मुख्यमंत्री है, इसलिए इनके विचार में वो बात गहराई से बैठी हुई थी और उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जो किया है निश्चित रूप से जनता को वो पसंद आ रहा है, तो स्वीकार करना चाहिए इसको। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ काम अच्छे थे उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इंटरनली जो है स्वीकार करती थी कि हाँ भाई इस काम का विरोध हम करेंगे तो हम पिट जाएंगे, इसलिए उन्होंने कभी उनके उन कामों का विरोध नहीं किया। आप देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें रमन सिंह को अच्छा ये मिला, गेंद मिला, तो उसका बहुत ज्यादा विरोध जो है कांग्रेस कभी नहीं करती थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जब गड़बड़ियां होती थी, खुलेआम गड़बड़ियां होती थी,
तब वो जरूर बोलती थी, लेकिन पीडीएस सिस्टम आज भी जो है कांग्रेस सरकार के लिए प्लस पॉइंट है, और उस वक्त जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के प्लस पॉइंट था। निश्चित रूप से जो है ये सरकार पर आरोप लगाना बड़ा सामान्य बात होता है, लेकिन जो स्थितियां वहां दिख रही हैं वो निश्चित रूप से जो है भूपेश बघेल की सरकार के जो कुछ काम अभी सामने आए, अभी तक कोई ऐसी बात आरोप नहीं लगा है उद्योग पर जिसकी वजह से परिणाम कहा जा सके। और निश्चित रूप से जो है आदिवासी क्षेत्र में अगर अंतिम अंतिम छोर में अगर परिणाम ऐसे है सरकार के बारे में, तो उसका असर जो है वो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इसीलिए अंतिम सवाल आपसे कि जिस तरीके से मान नहीं रहे हैं कि हार कहां पे हुई, चूक कहां पे हुई, तो ये कुछ वैसे ही हो गया कि सरपंचों की राय, शर्माते खटोला यहीं बिछेगा, तो अगर इस तरीके से अगर मान लिया जाए कि यहां पर ये कमी थी, तो अगले चुनाव में उपचुनाव में वो सुधारी जा सकती है, उसे किया जा सकता है। बल्कि जब वो सीट, जब वो कहा कि हमारी पक्की सीट है, तो वहां पर सेंध लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। दीपक जी, निश्चित रूप से इस हार से हम सावधानी बरतेंगे आने वाले चित्रकूट के उपचुनाव में, और हर हार से सबक मिलता है, सीखने को मिलता है। हम लोग विद्यार्थी की भांति जीते और हर गलती से सबक लेकर आगे उस गलती को सुधारने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री चंद्र सुंदरानी जी, और बाबूला जी आपका भी, और किरण भैया जी आपका भी। तो जिस तरीके से उपचुनाव के जो नतीजे आए दंतेवाड़ा के, वो वाकई चौंकाने वाले हैं, और कांग्रेस के लिए राहत की बात तो ये थी कि दंतेवाड़ा का चुनाव उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से अब दूसरा उपचुनाव है चित्रकूट का, वो कहीं ना कहीं आसान हो जाए, क्योंकि वो उनकी सीट भी है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस हार से कितना बीजेपी सबक लेती है, और दूसरा जो उपचुनाव है चित्रकूट का उसमें कितना बढ़त हासिल कर पाती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।